थप्पड़ और गुस्से की वजह से तूने इतनी नफरत पाली है ना अपने दिल में अपने पापा के लिए। क्या कहा था तूने, क्या कहा था तूने? पापा का ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए तूने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। तो ले, मैंने भी तुझे थप्पड़ मारा है। कर मुझसे भी नफरत, कर मुझसे भी नफरत। पहुंचा दे मुझे भी उस हालत में, पहुंचा दे उन्हें। बोल बोल ना तू नहीं है। अरे दीदी, क्या हुआ दीदी? परिमल भैया तो ठीक है ना? बताइए ना दीदी, हुआ क्या है? रीता, रीता, मैंने उसे पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लाइए दीदी, मुझे दीजिए, बैठिए। कोई बात नहीं दीदी, इस समय आप बहुत परेशान हैं, उदय समझेगा इस बात को। नहीं रीता, वो नहीं समझेगा। उसने हमें कभी समझा ही नहीं। अगर समझता तो इतना सब कुछ नहीं करता। रीता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा उदय, मेरे जिगर का टुकड़ा, बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? दीदी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन्हें सूप पिला के आती हूँ। रीता, उदय कहीं बैठा रो रहा होगा, हो सके तो उसे भी संभाल लेना। इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई। और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने,
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से